हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा प्लेस है महाराष्ट्र में। एक फोर्ट है बेसिकली, जिसका नाम है तोरणा फोर्ट। ये अगर आप पुणे से जा रहे हो तो अराउंड 80 किलोमीटर पड़ता है, बट अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो आपको अराउंड 210-220 किलोमीटर पड़ेगा। सो अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाता रहूँगा कैसा है और कैसे जाना पड़ता है, कितना डिफिकल्ट है एंड कितना खूबसूरत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप देख सकते हैं रोड कितना खूबसूरत है, मौसम बहुत ही अच्छा है और व्यू भी बहुत सही आ रहा है। इतना अच्छा फ्लावर्स है रोड के साइड में। थोड़े ऊपर जाते ही हमको ये फॉग नज़र आ रहे हैं। हम जितना भी ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा फॉग होगा। तो देखिए कितना अच्छा मौसम है, टेम्परेचर भी एकदम सही है। वेरी नाइस प्लेस। तो ये पॉइंट पे हम थोड़ा रुकेंगे अभी। तो अभी हम कार पार्क करके ऊपर आए, थोड़ा सा 50 रुपए लिया पार्किंग का। ये अभी हम चलना चालू किए, देख सकते हैं वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा मौसम प्लस व्यू है। तो चलिए आपको दिखाता रहूंगा, आप देखिए। पहले तो ये नज़ारा बहुत ही सही है। तो अभी हम एक पॉइंट पे आए हैं जो बेसिकली अभी बहुत दूर है, बट ये पॉइंट हमको बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा रुके हैं रेस्ट करने के लिए। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया एरिया है, वेरी नाइस। फॉग भी आपको देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हवा है। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं रोड, थोड़ा सा डिफिकल्ट रोड है, आप देख सकते हैं पत्थर है। अभी ज्यादा बारिश नहीं है बट हमको चल रहे हैं, बट कोई प्रॉब्लम हो नहीं रहा अभी तक। बट ये पॉइंट पे देखिए थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। ये देखिए रोड थोड़ा आड़ा टेढ़ा है, तो मैं अगर बोलूंगा अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा, बट अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, कोई आदत नहीं है वॉकिंग का, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट चीजें आपको शूज पहनना ही है, नहीं तो आप चल नहीं पाओगे। हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। ये देखिए हमारे साथ एक गाइड मिल गया, एक कुत्ता भी हमारे साथ चल रहे है। तो ये रोड अच्छा खासा डिफिकल्ट है और हमको तकलीफें बहुत हुई है बेसिकली चलने में, बहुत ही केयरफुली चलना पड़ता है। देख सकते हैं रोड कितना डिफिकल्ट है। ये पॉइंट पे तो बहुत ही रिस्की है, यहाँ पे रोप लगा हुआ है, आपको रोप पकड़ के ऊपर जाना होगा।
अभी तो बारिश ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से इतना स्लिपरी नहीं है, बट स्टिल तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले। आई गेस वन मोर पैच इज देयर, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। ये अभी और एक डेंजरस पैच आया है, तो हमको चढ़ के जाना है। देखिए कितना ऊपर है, धीरे धीरे फाइनली हम सब ऊपर उठ के आ गए। अब ये रोप नहीं होता तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके, ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ इजी तो है नहीं, अच्छा खासा डिफिकल्ट रहता। तो फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए, ये गेट पे आ गए हम लोग चोटना के। ये है गेट, यहाँ पे ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है। सो टोटल डिस्टेंस अब अगर बोलोगे तो मैं अराउंड 2 किलोमीटर्स होगा ये जो ट्रैकिंग पार्ट है। और अभी हम धीरे धीरे मेन डोर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे पूजा वूजा होता है कभी कभी। तो ये देखिए ये एक्चुअली मेन डोर है फोर्ट का, और आप देख सकते हैं उसका डोर दरवाजा कितना खतरनाक बना हुआ है। देखिए अभी भी है डोर अच्छा सब, देखिए कितना हेवी डोर है। अभी हम जा रहे हैं अंदर धीरे धीरे। अभी हम लोग आ गए फोर्ट के एकदम अंदर। यहाँ पे हमको एक रिजर्वर दिख रहा है, एक्चुअली उस टाइम का एक पानी जमा करने का रिजर्वर है, टैंकर है बोल सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पे कुछ टूटा फूटा बिल्डिंग है और फॉग से घिरा हुआ है, देख सकते हैं। अरे मोटर वोटर है इधर, मशीन मशीन है।
और यहाँ पे आपको एक मंदिर मिलेगा देखने को, कुछ तो इसका नाम है, हम देख सकते हैं बोर्ड में इसका नाम। और इस मंदिर के अंदर आपको इस फोर्ट का पूरा मैप देखने को मिलेगा, देखिए। और ये शिवाजी महाराज के फोटोज भी लगे हुए हैं यहाँ पे। थोड़े ऊपर चलने के बाद और एक मंदिर है, ये देख सकते हैं। बस इतना ही है उसके ऊपर, बट यहाँ पे एंजॉय करने का जगह यही है कि मौसम अच्छा है और व्यू अच्छा है, और ट्रैकिंग ऑब्वियसली ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो जाइए, बहुत मजा आएगा। ये दूसरा डोर है फोर्ट का, एक्चुअली पीछे का डोर। ओवरऑल हम अगर बात करें, जर्नी अच्छा था बट बहुत ज़्यादा थकान फील हुआ, तो मैं बोलूँगा आप कुछ, आपको पानी और अगर आप चाहते कुछ खाने का आप ज़रूर रखिए साथ में, ग्लूकोज वगैरह रखेंगे तो और भी अच्छा होगा। एंड हाँ, इम्पोर्टेंट बैग्स वगैरह, बहुत सारे पानी का बॉटल साथ में ले लीजिए, ये बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। और बस एंजॉय के लिए बहुत ही सही जगह है, सही प्लेस है, वन डे रिटर्न भी कर सकते हैं, वेरी नाइस प्लेस। तो अभी हम लोग उतरने वाले हैं, देखते हैं कैसा होता है, कितना डिफिकल्ट होता है। तो अभी बारी है उतरने का, तो उतरना हमको लग रहा था कि आसान होगा, बट एक्चुअली में इतना आसान नहीं है, और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी बारिश चालू हो गया था और बारिश में रोड बहुत ही स्लिपरी हो गया था। तो मैं तो बोलता हूँ उतरने के टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हुआ, ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा, तो आपको अगर ऐसा प्लेस पे विजिट करना है तो प्रिपरेशन ले लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।